बेसिकली कपल पेंडुलम का कलेक्शन है, ठीक है, वे गॉट 10 पेंडुलम्स, इन सब की लेंथ बराबर है, ओके, ऑल ऑफ देम हैव गॉट सेम लेंथ, ठीक है, तो इनका टाइम पीरियड बराबर है, ओके, तो इफ आई स्टार्ट देम टुगेदर, दे मूव टुगेदर, ओके, दे आर मूविंग इन सेम फेज, ठीक है, दे विल कंटिन्यू टू मूव इन द सेम फेज, क्योंकि सबकी फ्रीक्वेंसी बराबर है. अब मैं क्या करता हूं, एक इसमें ये अटैक लगा देता, नाउ व्हाट आई डिड, ये इस पॉइंट की रेफरेंस में ये छोटा पेंडुलम और ये बड़ा, ओके, सो देयर इज अ ग्रेडिएंट ऑफ लेंथ, इसलिए इन सब का टाइम पीरियड अलग अलग हो गया, ओके, नाउ इफ आई स्टार्ट देम टुगेदर, थोड़ी सी देर में इनमें आपस में फेज डिफरेंस आ जाता है, एंड यदि इनमें फेज डिफरेंस आ जाता है तो इट लुक्स लाइक अ वेव प्रोपगेशन, ओके, और फेज डिफरेंस फिर बढ़ता जाता है, इसका मतलब वेवलेंथ चेंज होगी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच, इट्स लाइक अ स्नैक मोशन, तो मेनी टाइम्स वी कॉल इट एज अ स्नैक पेंडुलम, ठीक है, ओके, इट रिजेंबल्स अ मोशन ऑफ अ स्नैक, ये इनका सबका फेस सेपरेशन है, अभी तो आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, एक ड्राइवर साथ में लगा देंगे तो फिर रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि ड्राइवर नहीं है, रेजोनेंस है ओनली इन टर्म्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी, सबकी फ्रीक्वेंसी बराबर, वो कैसे होगा इसमें, रेजोनेंस वाला करना है, रेजोनेंस वाला करना है, तो यहाँ एक पेंडुलम और लगाएंगे, ठीक है, और फिर इन सबको जोड़ेंगे, स्ट्रिप्स वो हमारी वीडियो में डाल रखे, आप जो सवाल पूछोगे वो जो जो हमने काम किए हुए हैं वो इकट्ठे करें,